हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ही यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से इक्वा एंड ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी स्मार्टफोन में। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। ओके गाइस, जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, यहाँ से कोई एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। ओके गाइस, सो फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुके हैं एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम ऑटो टूल पे, इस वाले आइकन पे। ओके फ्रेंड्स, एंड जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारी फ़ोटो की जो लाइटिंग है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जाते हैं कलर पे, इस वाले आइकन पे। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, तो इसे हम -11 रखते हैं। ओके गाइस, एंड इसके टिंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम 10 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, यहाँ पर ओके गाइस, एंड यहाँ क्लिक करेंगे। एंड यहाँ क्लिक करने के बाद रेड कलर की ह्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम 14 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम 12 रखते हैं। एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद इसकी सैचुरेशन को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, तो गाइस इसे हम -10 रखेंगे एंड इसकी लुमिनेंस को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम 26 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे। ओके गाइस, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू को -100 कर देंगे एंड इसकी सेचुरेशन को भी -100 कर देंगे एंड इसकी लुमिनेंस को +100 कर देंगे। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे एंड इसकी सेचुरेशन को भी माइनस की ओर ले जाते हैं, तो गाइस इसे हम -88 रखेंगे एंड इसकी लुमिनेंस को भी +100 कर देंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे। ओके गाइस, एंड सियान कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम -100 कर देंगे। ओके गाइस, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम माइनस की ओर लेके जाते हैं, तो गाइस इसे हम -75 रखेंगे एंड इसकी सेचुरेशन को इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम 66 रखेंगे एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट पे, इस वाले आइकन पे। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लैरिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो गाइस इसे हम 30 रखेंगे एंड डीएच को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो डीएच की वैल्यू को हम 8 रखेंगे। ओके गाइस, एंड विग्नेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो गाइस इसे हम 14 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाले आइकन पे। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, तो गाइस इससे हम 20 रखेंगे। एंड नॉइस रिडक्शन, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो गाइस इसे हम 10 रखेंगे। एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम 5 रखेंगे। एंड नेक्स्ट जाते हैं लेंस आइकन पे, इस वाले आइकन पे। ओके फ्रेंड्स, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन को ऑन कर देंगे एंड लेंस प्रोफाइल करेक्शन इसको भी ऑन कर देंगे। सो गाइस, फाइनली हमारी फ़ोटो एडिटिंग हो चुकी है। बिफोर आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस, काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर ये एडिटिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ यार लाइक करना एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये एडिटिंग आपको कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसे सेव करने के लिए हम शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नीचे देखिए सेव टू डिवाइसेस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।